शुरुआत करने जा रहे हैं लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कोरोना संकट के बीच रांची से आज जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई उसने कलेजा चीर कर रख दिया। एक बेटी डॉक्टर के लिए चिल्लाती रही, पिता ने दम तोड़ दिया। हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी में तड़प तड़प कर एक मरीज की मौत हो गई और इलाज नहीं मिल पाया। रांची के सदर अस्पताल में लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली। ये तस्वीरें आपने देखी और ये वीडियो लगातार सुबह से वायरल हो रहा है। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहीं पर मौजूद थे और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। गुप्ता जी स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें हैं आज सुबह से हम देख रहे हैं, एक बेटी की ये जो चीत्कार है ये कलेजा चीर कर रख देती है। जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त आप मौजूद थे, ये नौबत कैसे आ गई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? सबसे पहले जरा आप अपने जो आपके समाचार संकलन करने वाले लोग हैं उन लोगों से जरा सा इसकी विश्वसनीयता पूछ लीजिएगा कि मैं जब वहां पर गया हूँ ये सारी घटना उससे पूर्व की घटनाएं हैं और मुझे ये सब कुछ मालूम भी नहीं था। मैं तो सीधे ना, मुझे ये जानकारी थी, मैं तो सीधे आया और आकर सीधा कोरोना रेंडम आया, वो भी अचानक मैं पहुंचा हूँ और पहुंच के आईसीयू के कोविड के आईसीयू वार्ड में चला गया और वहां जाकर मरीजों का कुशल छिम पूछ रहा था। मुझे मेरे सामने ये कोई घटना नहीं हुई है, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वो बहन जो है वो उस समय रोती बिलकती उतरी है और उस समय वो बोल रही थी बात। बाकी वो जब वो आए थे कहाँ, डॉक्टर नहीं मिले, क्या हुआ, ये मेरे से सारी पूर्व की घटना है और मैं सिंगल ऐसा मंत्री हूँ जिसने कोरोना के काल में आईसीयू वार्ड में जाकर मैं मरीजों से मिलता हूँ। कोई एक सिंगल देश का यदि स्वास्थ्य मंत्री है या कोई भी ऐसा मंत्री है आप दिखा दीजिए कि जो जाकर आईसीयू में जाकर कोरोना के मरीजों से मिल रहा है और 1-to-1 हम बात कर रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी आप अस्पताल में जाकर मरीजों का हालचाल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे सवाल बस ये पूछना चाह रहा था कि आखिर ये नौबत कैसे आई कि एक मरीज की बेटी डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही और डॉक्टर इलाज के लिए नहीं आए, लापरवाही की वजह से एक मरीज ने दम तोड़ दिया, ये नौबत कैसे आ गई सिविल हॉस्पिटल में? मेरी बात सुनिए, ये हमारे आने के पूर्व की घटना है, मेरे सामने की कोई घटना नहीं है, ठीक है, मान लिया मैंने कि स्वास्थ्य मंत्री के सामने घटना घटी, मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। आप कह रहे हैं आप अस्पताल के अंदर थे जब ये सब कुछ हुआ, तो आप अस्पताल के अंदर थे, बाद में बाहर जब आप आए तब आपको ये महिला मिली? फिर पहले थोड़ा जानकारी लीजिए, मैं अस्पताल के अंदर भी नहीं था, मैं अस्पताल पहुंचा ही नहीं था उस समय जिस समय ये घटनाएं घटी हैं। मैं तो दूसरे दरवाजे से आकर, मुझे मालूम भी नहीं है, मैं आईसीयू पहुंच गया और आईसीयू में मैं चेक कर रहा था कि लोग जो है यहाँ किस पोजीशन पर हैं, कोविड वार्ड के अंदर था, वो भी मैं वहां पर था ही नहीं। वो तो लास्ट टाइम की बात है कि जो जब वो अपने पिता के शव को लेकर जा रही थी उस समय मैं ऊपर से निकला था, तब मुझे मालूम चला ना, मेरे सामने की घटना। आपकी मुलाकात हुई ना इस बेटी से? आपकी मुलाकात हुई ना? नहीं हुई, उस बेटी से हुई मुलाकात और वो सारी घटनाएं होने के उपरांत हुई है। मुझे इस बात का दुख है
और मैंने तुरंत आते के साथ जो है इस पर जो है जांच कमेटी बना दी और इसको जांच करने का आदेश कर दिया। जांच तो हो जाएगी, जांच कमेटी बैठ जाएगी, कितने दिन तक बैठी रहेगी, कितने दिनों में नतीजा देगी वो अलग बात है, लेकिन जान तो चली गई ना। ये सिस्टम जो है ये इतना ध्वस्त कैसे हो गया बन्ना गुप्ता जी? मेरा सीधा सा सवाल है, ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसा तो ना जाने कितना हो रहा था, हो रहा होगा, ये तो वीडियो सामने आ गया तो हम इस पर बात कर रहे हैं। ना जाने कितने मरीज इस लापरवाही से दो चार हो रहे होंगे सरकारी अस्पतालों में झारखंड के। बात सिस्टम की है। ये अचानक जो है कोरोना 19 का जो प्रकोप बढ़ा है भाई साहब, ये पूरे देश में बढ़ा है, और इससे ज्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र की है, इससे ज्यादा भयावह स्थिति दिल्ली की है, इससे ज्यादा भयावह स्थिति देश के और राज्यों की है। लेकिन मैं सिंगल ऐसा मंत्री हूं जो जाकर कोरोना में भी जाकर मिलता हूं, जाकर बात कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि आप लोगों के चैनल में कोई स्वास्थ्य मंत्री, यदि ऐसी कोई घटना हो जाए, बन्ना गुप्ता जी आप आईसीयू में जाकर भले कोरोना मरीजों से मुलाकात ना करें चलेगा, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करना आपकी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। हालत क्या है सिस्टम की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम इसी पर तो बात कर रहे हैं ना, इसलिए आप पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। पिछले 3 दिन में रांची में कोरोना से मौत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। शमशान घाट में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शव, जगह की कमी के चलते सड़कों पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूर हैं। रांची में 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, और आलम यह है सिस्टम का, सड़कों पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी, और आपको लगता है कि यह सब कुछ नॉर्मल है? भाई मैंने नॉर्मल कहा आपको, मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन यदि नॉर्मल होता तो फिर हम क्यों हाई प्रोफाइल बैठक करते हैं। मैं सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं बन्ना गुप्ता जी। मैं सिस्टम की भी बात बोल रहा हूं आपको। ये सिस्टम सिर्फ आज हमने नहीं बना दिया है, ये सिस्टम डबल इंजन की सरकार जो चल रही थी विगत 5 सालों से, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी। अरे पिछली सरकारों पर थोड़ी अब आप ठीकरा फोड़ सकते हैं बन्ना गुप्ता जी, पिछली सरकारों पर ठीकरा। आप लोग जनता, बन्ना गुप्ता जी, जनता वोट देकर सरकार चुनती है ना, सरकार बनाती है किस लिए? ताकि अगर हम बीमार हो तो हमें इलाज मुहैया कराया जा सके, अगर हमारी मौत हो जाए तो कम से कम सम्मान से अंतिम संस्कार हो सके। यहां पर सड़कों पर लोगों के शव जलाए जा रहे हैं, ये स्थिति है। ऐसा है भाई साहब, देखिए ऐसा है कि आप देश के प्रधानमंत्री जी को भी जरा पूछिए ना, वो तो कह रहे हैं कि मातम में उत्सव मनाइए। आप बताइए ना, जो मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं क्या प्रधानमंत्री से पूछूं कि वैक्सीनेशन का उत्सव मन सकता है क्या? अब देश के प्रधानमंत्री बंगाल का चुनाव में पूरा भाषण दे रहे हैं, और भाषण देने के आने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। उनकी गलतियां गिनाकर आप अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते ना बन्ना जी। मेरी गलती क्या है बताइए, मैंने क्या ऐसा दोष कर दिया? मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूं। अरे भाई आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करना। ये सिस्टम जो इतना सड़ा गला इस वक्त नजर आ रहा है कि 7 लोगों की सिर्फ कोरोना से मौत हुई है, ये आप लोग तो ज्यादा बोलते हैं, सुनते कौन हैं? आप बन्ना गुप्ता जी, दूसरे स्टेट्स की क्या हालत है आप देखिए, यहाँ 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई और नौबत ये आ गई कि सड़कों पर शव जलाने पड़े। अब भाई आप टू दी पॉइंट बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। दिक्कत है कि एंकर अब नेता बनकर प्रिंसिपल की तरह बात करने लगे हैं। यार आप हमारा पक्ष जानिए ना, हमारा जनता की आवाज बनकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इस वक्त जनता क्या सह रही है ये आप बखूबी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे शायद, कि आप हमको डायरेक्शन देंगे, आपके डायरेक्शन पर हम चलने लगेंगे। हम सवाल ना पूछा जाए आपसे, मेरी बात सुनिए, हम जिस बात को कर रहे हैं आपसे सवाल ना पूछा जाए आप ये चाहते हैं? नहीं, सवाल क्यों नहीं पूछेगा, पूछे ना भाई सवाल। नहीं, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको मैं प्रिंसिपल नजर आने लगता हूँ। लंबा चौड़ा भाषण देकर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, भाषण देना तो आप लोगों का काम है भाई, हमारा तो काम सवाल पूछना है। टू द पॉइंट पूछिए, अगर आपको इतने बुरे लग रहे हैं तो आप ना सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।